नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। बालू माफियाओं की दबंगई क्षेत्र के लोग दहशत में। भागलपुर के बाईपास टीपीओ जगदीशपुर थाने के अंतर्गत मकसदपुर के कान्हू टोला में कृष्णानंद शाह के घर के सामने आधा दर्जन से अधिक की संख्या में आए बालू माफियाओं ने अवैध बालू उठाव को लेकर स्थानीय ग्रामीणों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद ग्रामीण उग्र हो गए और अपराधियों को खदेड़ दिया। ग्रामीणों की माने तो भागने के क्रम में बालू माफियाओं के द्वारा 4 राउंड गोली भी चलाई गई। हालांकि इस दौरान किसी भी प्रकार की जान माल की क्षति नहीं हुई है। वहीं ग्रामीणों द्वारा जब इसकी सूचना बाईपास टीपीओ जगदीशपुर थाने को दी गई, तो बाईपास टीपीओ जगदीशपुर के थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर एक बाइक और एक स्कूटी को जब्त कर लिया है। हालांकि दहशतकर्मी भागने में सफल रहे, गांव में अभी भी दहशत का माहौल बना हुआ है। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन बालू माफिया लोग शराब के नशे में धुत रहते हैं और अपने अपने बालू से लदे ट्रैक्टर को पास कराने को लेकर यहाँ हंगामा करते रहते हैं। थाना अध्यक्ष अमित कुमार का कहना है कि अभी केस दर्ज नहीं किया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अभी जो घटना घटी वो एक गड्ढा को लेकर था, जिसमें कि आक्रोशी उसको पी खा के आया था। इस जगह पूरा वो मतलब जो था यहाँ पे गड्ढा, उसको लेकर वो लोग गाली गलौज करने लगा कि यहाँ खड्डा करके रखता है, गाली जाने में दिक्कत होता है। उस पर ग्रामीण जब बोला तो फिर यहाँ से जाने के समय वो लोग फायरिंग किया और फायरिंग गोली भी लग जाता, किसी को लगा नहीं, दो चार को मारपीट भी किया। उसके बाद प्रशासन आई तो फिर मामला अभी तक तो ठीक लगा। आप लोग कोई FIR वगैरह भी किए हैं? FIR अभी किए नहीं, थाना प्रभारी सुबह बुलाए हैं। आप लोग आदमी पहचान लीजिएगा? हाँ, आदमी क्यों नहीं, हाँ आदमी पहचान लेंगे। 9-10 की संख्या में था, जिसमें एक दो का नाम भी पता है। एक ड्राइवर था, ट्रैक्टर ड्राइवर, जिसका नाम सोनू था, और एक सत्येंद्र यादव का बेटा था चेतन। अच्छा, यही दो आदमी था? हाँ, आदमी 10, इसमें दो लोग पता है, लोकनाथ बाकी का पता नहीं। और कुछ यहाँ पे जो लोग का छूटा भी है? दो गाड़ी छूटा था, जो कि प्रशासन अभी यहाँ से उठा के ले गई। आपका नाम? मेरा नाम निरंजन कुमार। अब घटना काहे के लिए हुआ, क्या कारण क्या था घटना का? ये गड्ढा लेकर विवाद हुआ, यहाँ गड्ढा करके हम लोग गाड़ी लेके जाते हैं, डिस्टर्ब होता है, बालू गाड़ी लेकर के जाते हैं, बालू गाड़ी लेकर जाता, उसी को लेकर विवाद हुआ। कानपुर से जो हम आए थे, एक तो गाड़ी का रिम गिरा हुआ था बगल खड्डा के बगल में, ठीक है, तो गिरा था, तो मेरा लड़का बचवा था, उन्होंने उठा के रखा। हमने बोले कि किसी का होगा, सवेरे खोजेगा, नहीं कोई खोजेगा तो उसको दे देना, ये काम का चीज नहीं है, ये काम हमारे पास है ये नहीं, तो क्या करेंगे इसको, तो रख दिया। जैसे आधा एक घंटा के बाद उधर से आया, ऐसे गला गली किया और लपटा झपटी करने लगा। उस समय में गांव सब का आदमी सब दौड़ा, क्या हुआ क्या हुआ, इसी समय में वो लोग मारपीट करना शुरू कर दिया। जब गांव वाला सब टूटा, तब वो जो है भागते हुए फायर करते हुए भाग गया। कितना गोली राउंड फायर किया? 4 राउंड गोली फायर किया है। वो लोग का अर्थ क्या था, झगड़ा का उद्देश्य क्या था? झगड़ा का उद्देश्य यही था, खड्डा जो बालू गाड़ी जो चलता है, इसी कारण कि मेरा गाड़ी जो है डिस्टर्ब होता है, इसी कारण जो लोग। आपका परिचय? मेरा नाम कृष्णानंद हुआ। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।